गड़बड़ियों की परतें खुलती जा रही हैं। मुख्यालय से संबद्धता के खेल पर भी नजर है। कई और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 10-10 साल से जमे हुए इंजीनियर्स को छोड़ा जा रहा है, बल्कि कुछ महीने पहले ही तैनाती पाने वाले लोगों का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। समूह का और खा के अफसरों के तबादले भी रद्द किए जाएंगे। नियमानुसार सीएम और मंत्री का अनुमोदन लेना अब जरूरी हो गया है। इन सभी तबादलों को निरस्त किया जाएगा। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें अब तक निकलकर सामने आ रही हैं। यानी इसके लिए आपको किसी मंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। तो कई और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। 10-10 साल से जमे हुए इंजीनियर्स को छोड़ दिया जाता है, बल्कि कुछ ही साल पहले तैनाती पाए हुए लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं इस मामले से जुड़ी हुई, वो अब तक निकलकर सामने आ रही है। यानी कि कई और ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यालय से संबद्धता खेल पर भी नजर है। कई और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है विभाग। इंजीनियर्स को छोड़ा जा रहा है, जबकि कुछ महीने पहले ही तैनाती पाने वालों का ट्रांसफर किया जा रहा है। और सीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, क्या जानकारी है आपके पास? पीडब्ल्यूडी में तमाम जो है वो घोटाले हुए थे और ये ट्रांसफर घोटाला हुआ था, इसको लेकर सरकार ने भी सख्ती दिखाई थी और उसके बाद आज फैसला लिया गया है कि जो मनमाने तरीके से ट्रांसफर हुए थे उनको जो है वो रद्द किया जाएगा। ये एक जांच कराई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें तमाम रिपोर्टें आई थी, उसमें सब चीज़ों का खुलासा हुआ था। बहरहाल जो 59 तबादले हुए थे वो उनको निरस्त करने की बात कही जा रही है। पीडब्ल्यूडी के तमाम अफसर ऐसे थे जिनका घालमेल में नाम आया था इन सब चीज़ों के, और उन पर कार्रवाई भी की जानी है। ऐसे में जो ट्रांसफर किए गए थे पहले उनको रद्द किया जाएगा और उसके बाद फिर अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सीमा। वाराणसी में ट्रक और कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।